परेशानी आपको जो होने को यही हो रही है, इसको ऐसे काट सकते नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, बीच में निशान इसका आ गया प्लस का माइनस का, जब भी निशान यहाँ पर प्लस माइनस आ जाए तो ट्रम बन जाता है, ट्रम डिवाइड कभी नहीं होता है। फिर क्या करेंगे, ये करेंगे कि इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, मतलब क्या है, 8x² 2x और 6x 2x दोनों अलग, तीन क्रम होता है ऐसा कर लेते हैं, मतलब क्या है कि एक कपड़ टूल्स इसके नीचे, एक कपड़ टूल्स इसके नीचे, ठीक है स्टूडेंट। अब उसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 4 8 और ये से करके तो बचा क्या हमारे पास 4x और 2 3 6x है, मतलब क्या हमारे पास 3, ये आपका आंसर हो गया। पर ये आपकी परेशानी है, डिवाइड कैसे करते हैं, जब ट्रम क्वेश्चन होता है एक से ज्यादा ट्रम होते हैं तो इसको अलग अलग लिखते सॉल्व करते हैं, अगर सिर्फ सिंगल ट्रम होता है तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है सर। बासल का आगे तो 9 मैंने बना दिया, 10 आगे बनाया, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, दोबारा इसको रिपीट करना होगा।